क्लास नाइन्थ से आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। यानी कि आखिर में हम जानेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इसके कुछ एग्जाम्पल हम सीखेंगे और फिर इसका फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे कि आखिर में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो भी होता है तो आखिर में वो क्या होता है और कैसे निकल के आता है। तो सबसे पहले अगर हम उसका डेफिनेशन लिखें तो लिख सकते हैं द एनर्जी ऑब्टेन ड्यू टू इट्स मोशन। यानी जब भी हमको एनर्जी मिलता है तो मोशन से मिलता है, यानी जो भी एनर्जी मिले तो मोशन से हमको एनर्जी मिले तो उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल ए रनिंग कार, ए रनिंग कार। जैसे अगर कोई भी एक कार है, अगर वो रन कर रहा है, कोई भी एक कार अगर कार रन कर रही है तो उसमें कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। यानी कि कोई भी अगर आप मोशन देख रहे हैं तो वहां से हमको एक एनर्जी मिलता है और वह एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। आगे हम सीखेंगे, जैसे एक और एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं इसका, ए मूविंग बॉल। अगर एक बॉल है, अगर वो मूव कर रहा है तो उसमें भी कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। जैसे एग्जाम्पल एक ये बॉल है, ये मूव कर रहा है, एक बॉल जो ग्राउंड पे मूव कर रहा है, तो इसमें भी कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। यानी इस प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो हमको कौन सा एनर्जी मिलेगा, उससे काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। अब हम सीखेंगे कि आखिर में उसका फॉर्मूला क्या होगा, हम उसका फॉर्मूला कैसे निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तभी हमको काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। जैसे अगर हम यहां पे देखें, मैं एक दूसरा फिगर बनाता हूं। जैसे ये एक बॉडी है जो पहले से कुछ मोशन में है, यानी जो पहले से कुछ मोशन में होगा तो यू का वैल्यू कुछ होगा, यानी जो भी हम लिख सकते हैं, यानी यू का वैल्यू कुछ ऑलरेडी होगा, इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगा, तभी ऑब्जेक्ट पहले से मोशन में होगा और पहले से जब मोशन में होगा तभी मेरे को एनर्जी मिलेगा और वो भी कौन सा एनर्जी मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। तो यू का वैल्यू कुछ होगा लेकिन लास्ट में जब रुक जाता है, ऑब्जेक्ट जब रुक जाता है तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब अस्तित्व तो ही नहीं रहेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी हमको मिलेगा ही नहीं। तो लास्ट में जब ऑब्जेक्ट रुक जाएगा यानी मोशन में होगा तब तो काइनेटिक एनर्जी, लेकिन कोई एक स्थिति आएगा, स्टेट आएगा जिसमें ऑब्जेक्ट रुक जाएगा तो उस कंडीशन में भी का वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगर भी 0 जब हो जाता है तो हम मोशन के चैप्टर में पढ़े हैं तब वहां पर रिटार्डेशन होगा, यानी जब भी जीरो हो जाता है तब वहां पे एक्सलरेशन नहीं होगा, क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। तो यू का वैल्यू कुछ होगा तभी ऑब्जेक्ट मोशन में है, एक ऐसा स्थिति आएगा कि ऑब्जेक्ट रुक जाएगा तो भी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और जब भी का वैल्यू 0 हो जाता है तो ए का वैल्यू हम क्या लेते हैं, माइनस में, यानी उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। और यहां पे देखिए आप, ये ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा जिसको हम एस बोलेंगे। अगर हम देखें तो ये चार चीज यू ए भी और एस किस मोशन के मतलब इक्वेशन में आते हैं, यानी कौन ऐसा इक्वेशन है जो ये चारों चीज को सेटिस्फाइड करता है, यानी चारों चीज को रखता है। तो एक इक्वेशन है मेरे सामने, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यानी यह चारों चीज इसी इक्वेशन में मिलता है। तो अगर इसको हम लिख लें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as को, तो वी का वैल्यू हम पुट कर देंगे तो वी का वैल्यू क्या है, 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2। ए का वैल्यू हम एक्सलरेशन, यानी ए का वैल्यू क्या है, एक्सलरेशन, और एक्सलरेशन का फॉर्मूला फोर्स और मास के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ए इक्वल टू एफ बाई एम होता है, यानी एक्सलरेशन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाई मास होता है। तो हम ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं, एफ बाई एम इंटू एस।
अगर यहां हम देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एफ एस बाई एम। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एम यू स्क्वायर और टू यहां पे है मल्टीप्लाई में, तो अगर लेफ्ट साइड लेके आते हैं तो वो डिवाइड में हो जाएगा। अब इधर बचेगा एफ इंटू एस, लेकिन माइनस में। अब क्यों माइनस में होगा? ये माइनस में होगा क्योंकि एक्सेलरेशन किस में था? माइनस में था। जब भी एक्सेलरेशन माइनस में रहेगा तो एफ बाई एम का वैल्यू भी किस में होगा? माइनस में होगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास अगले स्टेज में क्या मिलेगा? एम यू स्क्वायर बाई टू इक्वल टू एफ इंटू एस। अब यहां से हम वन बाई टू कॉमन कर सकते हैं एम, यहां पे एक ही वेलोसिटी अब रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी का कोई मतलब ही नहीं है, यानी एक ही वेलोसिटी रहेगा, तो हम यू को किस में लिख देंगे? भी में। यहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लीकेशन है, तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई में होते हैं तो किसके बराबर होते हैं? वर्क के बराबर, यानी डब्ल्यू इक्वल टू होता है एफ डॉट एस, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट क्या होता है? वर्क डन। यहां हम वर्क डन लिख देंगे। अगर अगले स्टेप में हम देखें तो जितना वर्क डन उतना ही एनर्जी, ये हम लोग जानते हैं कि जितना ही वर्क डन होगा उतना ही क्या होगा? एनर्जी होगा। तो वन बाई टू एम भी स्क्वायर इक्वल टू ई। अगर हम देखें तो यहां पे हम लिख सकते हैं, यहां पे जो एनर्जी है वह कौन सी एनर्जी है? मोशन से मिला हुआ एनर्जी है, तो हम क्या लिख सकते हैं एनर्जी को? काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, यानी वन बाई टू एम भी स्क्वायर इक्वल टू के ई, यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हुआ वन बाई टू एम भी स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम ऐसे ही निकालते हैं, ऐसे ही डिराइव करते हैं, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वन बाई टू एम भी स्क्वायर हम बोलते हैं, यानी कि यही इसका फॉर्मूला होता है। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी जूल ही होगा, यानी जितने भी एनर्जी हैं सबका एसआई यूनिट क्या होता है? जूल ही होता है। कोई भी एनर्जी आपसे कहा जाए सबका एसआई यूनिट क्या होगा? जूल होगा। इस प्रकार से आप डिटेल्स में सीख गए कि आखिर में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है और उसका फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करते हैं, उसका एसआई यूनिट क्या है, और साथ में उसका एग्जाम्पल भी आप विधिवत जान गए। इस पर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी इसका अगर वेलोसिटी दिया है, मास दिया है, अगर कोई बॉडी का वेलोसिटी और मास दिया है तो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल पाएंगे। आगे हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी में मास और वेलोसिटी का क्या रिलेशन है, यानी जब भी हम काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे तो मास और वेलोसिटी के साथ काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है। जैसे अगर हम लिखें तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, यानी जो काइनेटिक एनर्जी है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये सामने सामने है। तो अगर हम मास को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। मास डिक्रीज तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन रखता है। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, यानी जो काइनेटिक एनर्जी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के। जैसे अगर हम वेलोसिटी को डबल कर देते हैं, वेलोसिटी को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी फोर टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अब क्यों होगा? कारण यह है कि यहां पे स्क्वायर है, जैसे ही अगर हम डबल करेंगे तो टू का स्क्वायर करके हमको काइनेटिक एनर्जी को बताना होगा, यानी फोर टाइम हो जाएगा। ठीक, अगर यही वेलोसिटी को हाफ कर देते हैं, वन बाई टू कर देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? वन बाई टू का स्क्वायर करके बताना होगा, यानी वन बाई फोर हो जाएगा। फिर एक देखते हैं एग्जाम्पल, अगर वेलोसिटी को थ्री टाइम कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी नाइन टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अगर वेलोसिटी को वन थर्ड कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? वन बाई नाइन टाइम हो जाएगा, यानी वन बाई नाइन हो जाएगा, उसको सीधे वन बाई नाइन ही बोलेंगे, यानी कि इसको वन थर्ड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? वन थर्ड का स्क्वायर हम कर लेंगे तो वन बाई नाइन काइनेटिक एनर्जी
हो जाएगा। इस प्रकार आप डीपली जान गए कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, उसके फॉर्मूला क्या है, एग्जाम्पल क्या है, और फॉर्मूला के बीच मास और वेलोसिटी का रिलेशन क्या है। अगर आपको जो भी डाउट होता है, कोई दिक्कत होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।